आज किस वाले वीडियो में ना बहुत ही गलत वाली चीज हो जाती है। अब मेरा एक तरफ नाम आता है हेलीकॉप्टर पे, एक तरफ गॉडल जोनाथन। कंफ्यूज मैं तो खैर रियल वाला था, मैंने अपना टाइटल लगाया, लेकिन वहां पे क्या कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बट बहुत बंदे ना ऑल पे ऐसा लग रहा था कि सही में रियल वाला गया। मैं खुद कंफ्यूज हूँ अभी तक, तो मुझे खुद नहीं पता। बट गाइस आज इस वाले मैच में हम फाइट भी लेंगे एंड देखेंगे क्या ये रियल वाला है क्या। बाकी ऑल पे माइक रखेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। एंड साथ ही गाइस एक चीज और, आज आप लोगों मैं अपने आपको खुद को एक चैलेंज दे रहा हूँ, 100 वीडियोस का चैलेंज। 100 डेज 100 वीडियोस, 100 दिन 100 वीडियोस डाल पाऊंगा ऐसा, क्योंकि आज मैं 5 बजे वीडियो बना रहा हूं। अब इसकी सजा यही है कि 100 दिन मेरे को कंटिन्यू वीडियो डालनी है। एंड क्या ये मैं चैलेंज में सक्सेसफुल रहूंगा, ये सब आपको देखना पड़ेगा, क्या मैं कर पाऊंगा। दिमाग में एक बार सोच के देखो, 100 दिन 100 वीडियोस कंटिन्यू, 100 वीडियोस डालनी है मेरे को 100 दिन तक, ये एक चैलेंज है मेरे लिए। और जहां तक मुझे लग रहा है मैं कहीं ना कहीं फेल हो जाऊंगा। अब आपसे बोलोगे भाई इस चैलेंज में हमारा क्या रोल है, हमको क्यों बता रहा है, तो भाई आप लोग मेरे एक टीचर टाइप बन के रहोगे एंड आप लोग मेरे को डेली कमेंट करोगे भाई आज दूसरी वीडियो कब तक आ रही है, तीसरी वीडियो कब तक आ रही है, ऐसा 100 दिन तक तुम्हें बोलना है, कर पाओगे। एक चैलेंज तुमको भी देता हूँ मैं, बाकी इस वाले मैच में अभी थोड़ी देर में किल फीड बैन लग जाएगी एंड आउटफिट भी थी एंड गन स्किन्स भी है, तो अभी और थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन जिस बंदे को मारने के लिए भाग रहा हूँ भाई, ये बंदे ने ना सारी हद पार कर दिया, बताओ यार। मतलब इतना डैमेज मैंने दिया यार, कूद किसी और के सामने रहा, मैंने टी बटे से भर दिया। अब इसका मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने बोला भाई यार अनरैंक में ऐसी हालत, मतलब मान के चलो ये अनरैंक मैच है एक तरह से, और अनरैंक में इसलिए खेलता हूँ क्योंकि इसमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई थोड़े कम कैंपर्स हैं, क्योंकि क्लासिक में तो भाई भर भर के कैंपर है एंड वहाँ खेलना इम्पॉसिबल है भाई एक तरह से। लाइक वहाँ पे ऐसे शांति से बंदे बैठते हैं, ऐसी बात नहीं अनरैंक में उससे ज़्यादा बड़े कैंपर्स आते हैं, लेकिन हाँ क्लासिक तो थोड़ा तो कम ही है। बट कोई नहीं गाइस, एक बार फटाफट से लाइक कर दो एंड जिन्होंने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लो। बाकी हमने पूरा ट्राई करेंगे इस वाले मैच में, जोनाथन आप पता नहीं रियल है फेक, बट हम फाइट लेने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक बार फटाफट से लाइक कर लो एंड अगर हम मुश्किल से शायद अगर रियल हुआ तो पता है मुझे मार नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर हम मार देते हैं तो ज़रूर से एक बार सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। बाकी सामने और भी बंदे थे जो कि हाँ देखो नाम आ गया ना, अब थोड़ा कन्फ्यूज होना, पहले लगा कि यार जिसके पास आउटफिट निकल जाती है वो नाम रख लेता होगा ऐसे मजे में, अब थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था इस जगह पे आके, इस पर तो स्किन भी है यार, अब क्या चल रहा है कुछ नहीं समझ आ रहा मेरे को। अनरैंक था तो मैं सोचा था अनरैंक तो कभी खेलती नहीं वो लोग, तो भाई ये क्या चल रहा है। बट कोई ना, अभी पता लग जाएगा जब हम उनके साथ फाइट लेंगे या फिर हम देखते हैं कहीं ना कहीं, तो हम ऑल पे माइक रख के घूम ही रहे, अब पता लग जाएगा ऑल पे हम हेलो हेलो बोलेंगे ना। बाकी यहाँ पे बंदे और भी हैं, एक और पास में ही है। बाकी देखो जोनाथन नाम के जो बंदा है भाई वो अभी भी मार रहा है, बट कंफ्यूज देखो तुम भी कंफ्यूज हो गए, कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ, मैं भी गंदे वाला कंफ्यूज हो रहा है कौन है भाई एक्चुअल में। बट कोई ना, आगे हमें पता लग जाएगा, मतलब हमारी फाइट होगी, चिंता मत करो एंड बहुत ही खतरनाक हो, लेकिन पहले इनको निपटाना है एंड मुझे भी नहीं पता कहाँ पे कौन मिलेगा, तो मैं हर एक टीम से ना अच्छे तरीके से फाइट ले रहा हूँ। देखो अभी तक मैं रश कर जाता, लेकिन मैं होल्ड करके समझ समझ के खेल रहा हूँ क्योंकि मुझे मरना नहीं इस मैच में, एंड नहीं तो नॉर्मल होता तो मैं घुस घुस के मारने लग जाता अभी तक। बट कोई ना, फटाफट से एक बार लाइक कर दो एंड क्या आप लोग 100 इस चैलेंज के लिए रेडी हो, तो जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ कि आप लोग चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो, लिख दो नीचे फटाफट से कि हाँ एक्सेप्ट है भाई चैलेंज। बाकी भाई मैं बहुत सेफ रह के खेलना चाहता हूँ, बट ये बंदे बहुत परेशान कर रहा है एंड इसी के साथ अब मैं निकल जाता हूँ उसकी साइड एंड वो बंदा पूरा कैंप करके बैठ गया था एंड भाई कुछ पता नहीं है कौन कहाँ है, क्योंकि रिकॉल वाला सिस्टम है, तो भाई ये बंदे इतना गंदा कैंप कर रहे हैं क्योंकि इनको रिकॉल में भी रैंक प्लस ही है भाई। भाई मैंने बोला भाई यार क्या चल रहा है, मैं अभी भी देख रहा हूँ बंदा कहाँ पर है, आखिरी में बोला भाई काम कर रिकॉल में फाइट हो रही है वहाँ जा रहा हूँ मैं, नहीं ले रहा इनकी फाइट। अब थोड़ी देर में ये बंदा वापस हमारे पास आएगा, ऊपर वाला देख गया उसी घर पे ही है, दो तीन चार है, तीन चार है तेरे को, लेफ्ट में भी है यहाँ बंदे,
बाहर ही रहे इधर। Watch out. बाकी बाहर गए थे आगे, वो पीछे आएंगे पक्का। भी पीछे आया कोई? और ये वही बंदा था जिसने हमें परेशान किया था, मतलब उस टीम से फाइट लड़े थे तो पीछे से हमको यही मार रहा था। अब कैसा लगा जब ये बंदा रिकॉल, मैं बोला ना रिकॉल के लिए बंदे पूरा दबा के कैंप करते हैं एंड मतलब आखिरी तक रिकॉल करने के लिए कोशिश पूरी करते हैं। भाई मैं बोला भाई यार क्या फ़ायदा भाई, अनरैंक्ड मैच है इसमें तो बस मजे के लिए खेलो, उतरो मारो मारो खत्म। मैं तो यही सोच के आया था लेकिन अब बन गया कुछ और, तो भाई मैंने बनाने में पड़ेगा मेरे वीडियो, बट कोई ना आप लोग रेडी रहो। अब यहाँ से सीधे हम रिकॉल पे जाने वाले क्योंकि रिकॉल पे बहुत ज़्यादा बंदे, मतलब अभी भी फाइट कंटिन्यू चल रही है, उजी चल रही है वहाँ पे, यानी बंदे रिकॉल हो रहे हैं। अब नो आइडिया यहाँ पे भी वो बंदा हो सकता है, आई थिंक गॉर्डल जो नाथ में भाई पता नहीं कहाँ कहाँ इसकी पूरी टीम फैली हुई थी एंड जिसको मैं डैमेज दिया था वो बंदा पीछे तोड़ जाता है। मेरा टीममेट भी पूरा डैमेज क्योंकि उसने अचानक से धप्पा बोला जिसने मेरे को मारा, वही मेरे टीममेट को भी डैमेज दिया। अब मेरे टीममेट को मैं बोलता हूँ रिवाइव दे दे, लेकिन उसके फुट से पार था सामने से, मैंने बोला एक काम कर डैमेज तो आई, वो तेरे को बिना हील के ही रश कर रहा है मुझे मालूम था, और बिना हील के ये देखो क्या हालत हुई। सो फटाफट से अभी रिवाइव देते हैं, इसका दो बंदे अभी भी रिकॉल हो मतलब बचे हैं, जिससे ना भाई मैं पूरा बदला लेने वाला हूँ इनकी ऐसी हरकतों की वजह से। बाकी तो सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब कर लो एंड अभी चिंता मत करो, हमारी उनसे फाइट होगी होगी एंड वो फाइट देखने में बहुत मजा आने वाला है। सो रेडी हो जाओ लाइक सब्सक्राइब करके एंड बताना आप लोग कि क्या ये रियल था फेक, क्योंकि मेरे को तो देखो कन्फ्यूजन है पूरी, अभी भी कन्फ्यूज में हूँ क्या क्या चल रहा है यानी। बट गाड़ी बैठते हैं, अभी सामने वाले बंदे पता नहीं कौन से हैं, मुझे भी नहीं पता, शायद से वही तो नहीं है लोग क्योंकि सामने बैठे हुए हैं। वैसा मैं इनके साथ क्यों कर रहा हूँ कल वाली वीडियो में आपको पता लग जाएगा, जो मैं कल वीडियो डालूंगा ना #2 डालूंगा, जो मतलब 100 चैलेंज स्टार्ट हो गया आज से हमारा स्टार्ट हो रही है। #1 आज पहली वीडियो थी, कल से #2, परसों #3, ऐसा करके हम 100 करेंगे। बाकी ये वही टीम थी एंड यहाँ पे मेरे को आउटफिट दिख गई थी ऊपर की, जोनाथन वाली आउटफिट है, तो अब थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि अगर रियल हो तो बहुत गंदा भरने वाले हैं। एंड इसका एक टीममेट इनसाइड वाले घर में था, मैं भी भाई किसको कवर दूँ क्या करूँ उसको समझ नहीं आ रहा था। मेरा टीममेट बोला भाई काम कर शांति से खेलियो एंड ये देखो ये करता क्या हरकत है, ऊपर पहुँच जाता है एंड ये मैं बोला कि भाई शांति से रहा, उन्हें रश करने थे हम पे, हम नहीं करेंगे कुछ अभी, हम का उजी से वहाँ तक मार रहा है। अब मैं बोला भाई यार क्या कर रहा है भाई ये बंदा, बट कोई ना फटा से इसे रिवाइव देते हैं एंड वो बंदे भी अभी रश कर गए थे, ये बोल रहा था कि उसको मैंने अच्छा खासा डैमेज दिया है, तो मैं बोलता हूँ कि काम कर तू हील कर, मैं निकलता हूँ सबसे पहले आगे वाले घर में एंड वो बंदा भी रश कर जाता है। देखो अभी क्या हुआ, हाँ हो जाएगा। अरे भाई मैं एक गोली हो गया हूँ भाई। अब सब कोई कंफ्यूज, हुआ तो हुआ क्या अब भाई, मैं तो नॉक कर दिया था, अब मुझे भी नहीं समझ आ रहा था मैं करूँ क्या यहाँ पे अभी, तो मैं मारता नहीं इसके टीममेट को ढूंढता हूँ, लेकिन इसका टीममेट तो शायद पहले ही बगी लेके निकल चुका था, पहले ही मतलब शायद से बहुत पहले ही भग गया था। तो अब यहाँ पे मैं और मेरे टीममेट से ऑल पे माइक करके पूछ रहे होते हैं भाई रियल वाले हो गया ऐसा करके ना, तो कुछ नहीं पता अभी तो क्या रियल जोनाथन है क्या ये? हेलो जोनाथन भाई, बाकी देखो कुछ नहीं कह सकते बट हाँ कोई ना गाइस एक बार लाइक कर दो, इन जिन्होंने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लो भाई, ऐसा गेम प्ले भाई ऐसा गेम प्ले, आगे जाकर वो बहुत गंदा रोना पड़ेगा। यहाँ तक तो सब कुछ ओके था, आगे जाके ना मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि जिसका तुम सही में भाई तुम मेरे को बोलो क्या न्यू बंदा है वो, तू कैसे हरकतें करता है। अब मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं क्या बोलूँ भाई, मेरे साथ ही ऐसा हो गया, मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ भाई, हुआ ही ऐसा कुछ मेरे साथ। तुम बोली मतलब तुम लोग भी देख के बोलोगे भाई क्या कर रहा है यार तुम। अब देखो होता क्या, यहाँ से मैं गाड़ी निकालता हूँ एंड ये लोग शायद से रिकॉल उकॉल होंगे मुझे लग रहा था, तो मैं थोड़ा ऐसा रिकॉल पे ही ढूंढने चला जाता हूँ। अब मेरी टीममेट को देता हूँ आज बैठ एंड मेरी टीममेट हम रिकॉल के पास से निकल लेते, पहले मुझे लगा कोई भी नहीं है एंड ये डुओ से स्क्वाड खेल लेते हम। रिकॉल तो वही तो है, मैटर हो गया
सोचो तुम्हारे को देखने में इतना गंदा लगा होगा, तो मेरे साथ जब हुआ होगा तो मेरे को इतना गुस्सा आएगा भाई, अंदर ही नहीं घुस रहा हूँ, अगर गलती से अंदर घुस जाता मैं। अब हाँ गलती से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मैं पूरा सोच गया था मैं घुस जाऊंगा अंदर, लेकिन घुस ही नहीं रहा वहाँ पे। खैर तो गाइस एक बार लाइक कर दो, एंड जो मेन टारगेट था हमने उसको फिनिश कर लिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है भाई, लाइक सब्सक्राइब कर लो। एंड और साथ ही यहाँ पे अभी एक GTA वाले चैनल पर हमने एक नया वीडियो डाला, अपना सेकंड चैनल पर GTA की स्टोरी डाली है, जैसे टेक्नो गेमर्स भाई डालते हैं वैसा एक स्टोरी बनाया मैंने, तो जस्ट सपोर्ट करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो लेट्स गो बॉयज, फुल मचा दो यार, बाकी लेवल गाइस बाय बाय।